नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। लोकसभा चुनाव 2019 का रंग अब जमने लगा है। फिल्म और टीवी जगत के सितारे भी इस बार राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। पहले खबरें आई थी कि करीना कपूर खान कांग्रेस की टिकट पर भोपाल से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये खबर खुद करीना ने खारिज कर दी। और अब टीवी जगत का जाना माना नाम शिल्पा शिंदे के बारे में भी यही कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में शिल्पा ने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं से फेमस हुई शिल्पा शिंदे लोगों के दिलों में अच्छी जगह बना चुकी है। पिछले साल उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस का खिताब भी जीता था, जिसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगर शिल्पा चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो वो लोगों के अच्छे वोट हासिल कर सकती हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने मौके पर मास्टर स्ट्रोक खेला और शिल्पा को अपने पाले में ले लिया। जी हां, शिल्पा शिंदे ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम और चरण सिंह सपरा की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। शिल्पा के कांग्रेस में आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कई और सेलिब्रिटीज भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। शिल्पा शिंदे के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर भी आ रही है, जहां कुछ लोगों ने राजनीति ज्वाइन करने को लेकर शिल्पा शिंदे की तारीफ की है तो कई लोग उनकी निंदा भी करते दिखे। तो वहीं कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद शिल्पा शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा, पार्टी ने जिस तरह से स्वागत किया है वो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। इतना ही नहीं, शिल्पा शिंदे ने प्रियंका गांधी के कांग्रेस में शामिल होने का भी स्वागत किया। शिल्पा ने ये भी कहा कि वो जाति पाति की राजनीति नहीं करेंगी। बता दें कि काफी समय से फिल्मी सितारों के कांग्रेस में आने के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ दिन पहले करीना कपूर खान के नाम पर भी यही सारी बातें सामने आई थी, लेकिन इन खबरों को करीना कपूर खान ने महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। और अब शिल्पा शिंदे के कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद खबरों के बाजार में ये चर्चा गर्म है कि वो जल्द ही चुनावी मैदान में दिख सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इस बात पर पक्की मोहर आखिर कब लगती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर